अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं उसको अल्लाह पाक शिफा दे, जो रिज़्क़ की तंगी में है अल्लाह के रिज़्क़ में बरकत डालें। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं जो है सुबह का वही रूटीन जो है हमारा नाश्ते वाला वो बना रही हूँ। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो जो है फुल वॉच करनी है, स्पेक बिल्कुल नहीं करना। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं जी। तो अब थोड़ा सा जो है ना मैं आपको मौसम के बारे में बता दूँ। ये देखें आज ये बहुत ज़्यादा गर्मी है और बादल भी नहीं है और साथ में सूरज भी आ चुका है। और देखें वो हल्का सा सूरज भी आ चुका है। और ये देखें दरख्त ये भी रुके हुए हैं। तो हवा आज जो है वो भी रुकी है, नहीं चल रही, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा चल रहा है पंखा, तो सब बच्चे सोए हुए हैं। मैरान वो देखें सोया हुआ है, अभी उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। और चलते हैं मैरान के पास जी। तो अभी चाय जो है मेरी रेडी हो चुकी है, और साथ में ये देखें ये बैठी है ज़ैनब, और ज़ैनब की है चाय। ज़ैनब जी मस्जिद गई थी तो बाजी को बताया है मैरान के बारे। ये इब्राहिम और वसीम है, ये है मेहरान। हाँ मेहरान, कैसी है तबीयत? अभी बुखार है, अल्लाह पाक खैर करेगा, ठीक है ना। अभी वो देखो उसके बिस्तर में पड़ी है शरबत, सुबह से जब मैं उठी तो इसका बुखार चेक किया ना, 104 पे बुखार था बहुत ज़्यादा। तो इसको ना बहुत ठंड भी लग रही थी, मैंने इसको शरबत पिलाई है। अब कैसा है, पसीना आ रहा है ना? पसीना भी आ रहा है, अल्लाह पाक खैर करेगा। मेहरान के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है जी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और एहसान जो है मेरे साथ है, ये गया था चीज़ी लेने दादी अम्मा के पास। अब चीज़ी ले आए हो? ये ले आए सुबह सुबह, ये खानी है? क्या खानी है? निमको। सुबह सुबह निमको नहीं खाते, गर्मी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। अच्छा बिस्किट भी साथ है, बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है। ये कौन है? ये आ गया भैया। ये कौन आ गया है भैया? वो नीचे गिर गई। जी तो अभी यहाँ पर देखे हमारे बर्तन वगैरह जो है सब इकट्ठे हो चुके हैं, और साथ में ये चाय जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, और साथ में ये देखे चूल्हा जो जल रहा है, और अभी जो है उबलने वाली है ये देखें। तो इसलिए ना चूल्हा जो है हमने कम कर दिया है। और मेरे साथ बैठी है बीबी। हाँ बीबी, जूस जूस ले आई? एहसान ने क्या लिया? एहसान ने नीमको और बिस्कुट लिया। आपने जूस लिया किस से? दादी अम्मा से। तो अभी आपने जूस पी लिया? पी रही हो? चलो पी लो, गर्मी है ना। ये देखें हमारी चाय जो है ये उबल रही है। जिस बहन भाई ने पीनी है तो हमारे साथ आके पी सकते हैं। तो हमारी जो है सर्दियां और गर्मियों में यही रूटीन चलती है। सुबह सुबह जब आँख खुलती है तो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं नमाज अदा करते हैं,
तो फिर जो है खाने पीने में जब जाते हैं तो फिर सबसे पहले चाय बनाते हैं। चाय बना के उसको बच्चों को भी खिला दी, खुद भी पी। तो फिर नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता जो है सर्दी हो या गर्मी हो, बहुत लेट हम खाते हैं। सुबह सुबह जो है भूख भी नहीं होती, फिर ऊपर से चाय पी ली तो फिर भी भूख जो है ख़त्म हो जाती है। तो आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करें, तो हमको बताएं आप लोग किस शहर में रहते हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, और हमारा जो है ये खाने पीने का भी लोग बस घर का ही होता है, बच्चों का होता है, अपने खाने पीने का होता है। तो आपको ये खाने पीने कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे बहन भाइयों हमें बताना ज़रूर है। किसी के ऊपर तनकीद मत किया करें। तो हर इंसान को एक जीने का हक होता है, हर इंसान को अपनी मजबूरी जो है ना नहीं बताई जाती, हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है। जैसे वो चल रहा है उसे चलने दो। तो प्लीज़ जो है ये गलत कमेंट मत किया करें, अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। आप लोग क्या समझते हैं कि ये अच्छी बात है? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। ये गलत कमेंट मत किया करें। आपके कमेंट आने से या ना आने से हमें तो कुछ नहीं होता ना, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन जो है दिल में कुछ दुख होता है कि मुसलमान हो के, इंसान हो के, समझदार पढ़े लिखे हो के, तो फिर आप जब गालियाँ देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपके ऊपर एक गुनाह हो जाता है। ये भी एक गुनाह है, बात को समझा करें। जब तक ये कमेंट पड़े रहेंगे आपके, तो उस दिन तक आपके ऊपर ये अल्लाह पाक लानते भेजेगा। ऐसा मत किया करो। तो जो इंसान अपनी इज्जत के साथ, अपनी बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है, तो इस पे कोई तनकीद वाली बात तो नहीं है ना, ऐसे कमेंट मत किया करें जी। तो अभी चाय जो है मेरी रेडी हो चुकी है, और साथ में ये देखें, ये बैठी है ज़ैनब, और ज़ैनब की है चाय। ज़ैनब मस्जिद गई थी तो बाजी को बताया है महरान के बारे में, क्या बोली? बाजी कहते थे महरान तो फिर चलो ठीक है। अभी तो है सुबह सुबह का टाइम है, जब मैं नींद से उठी ना, रान को इतनी तेज़ बुखार था, इतनी तेज़ बुखार था, उसको ठंड भी लग रही थी। तो जैसे मैं आपको जगाया तो वैसे मैं उसको खाली पेट ही शरबत पिला दी। मैंने सोचा कि बुखार जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो फिर जो है कुछ उसकी दवाई वगैरह और भी ले आएगा भैया तेरा, जब तक जो है अभी तो स्टोर नहीं खुले ना। और ये देखें आमना, आमना जूस पी लिया, भाग गई है जी। तो अभी जो है यहाँ पर देखें मेरी बड़ी बेटी जो है वो आटा गूंद रही है, तो मैंने बाहर चाय बना ली और ये आटा गूंद लगी, फिर नाश्ता बनाएंगे। ये देखें ये है मेरे कमरे के अंदर, मैं आ चुकी हूँ। तो इसके अंदर जो है अभी झाड़ू नहीं लगाया, ये देखें कचरा वगैरह भी अभी बिखरा पड़ा है, और साथ में पानी भी लगाना। ज़ैनब आप ना ये पापा और ये जो है चाय ये उठाएं और जाके मेहरान को दे आए, चलते हैं। चलो मैं भी आपके साथ जाती हूँ। अभी जो है आ गए हैं मेहरान के पास। चलो बेटा ये चाय और पापा खा लो, तो कुछ आपकी जो सर्दी है वो भी कम हो जाएगी, ऐसा ना? सही। ये देखिए जी, मम्मी है झाड़ू लगा रही है,
अभी जो है मैं यहाँ पर चूल्हे की सफाई कर रही हूँ जी। तो चूल्हे की सफाई करके फिर वो क्या कहते हैं रोटी बनाएंगे जी। रोटी बना के तो आगे वाला सहन जो है फिर हम साथ में झाड़ू लगाएंगे। ये देखिए जी, हम यहाँ पर लकड़ियाँ उठा रही है। हाँ, मैंने लकड़ियाँ जो उठा ली हैं, अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो वहाँ पर जो है ना आग जलाते हैं और रोटी बनाते हैं। ये देखिए जी, अभी मम्मा ये रोटी बना रही है। तवे को जो है मैंने धो लिया है जी। और साथ में आटा जो है ये भी मैं ले आई हूँ। अभी जो है मैं लकड़ियाँ छोटी छोटी करके चूल्हे के अंदर डालती हूँ। तो आप चली जाए बाहर चारे में, वहाँ पर खोरी पड़ी होगी तो वहाँ से थोड़ी सी खोरी ले आए और फिर आग जलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए हर पत्ती डाल रही है, मैं उठा रही हूँ। खोरी जो है ये जैनब उठा के ले आई है। तो अभी इसको ना चूल्हे में डालते हैं और ऊपर लकड़ियाँ रख इस पे ऊपर रख के ना फिर चूल्हा जलाएंगे जी। आटा भी रखा हुआ है और मम्मी वो बना रही है, खेल रही हूँ, खेल रही हूँ। तो आसम करूँगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों से आवाज रहे। चाची देखें रोटी पका रहे हैं जी। ठीक है, मम्मी आग जला लिया है। आग जो है मैंने जला दी है, तो अभी जो है बना रही हूँ पेड़े। हाँ जी, आज जी हमने पेड़े बना रही है, फिर रोटी बनाएंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बना लो फिर, मुझे भूख लगी है। आपको भूख लगी है? हाँ जी। सबसे पहले ना आप दादा भूख दे आना। ठीक है, तो फिर आप खाना है। ठीक है, ठीक है। बतावर क्या कर रही हो? खेल रही हूँ। देखो पिंक बना के अब खेल रही है, खेल रही हो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं कहती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ जैसे छिपे मुस्कुराते रहे। मैं खेल रही हूँ, जिस बहन भाई ने खेलने हैं वो आ जाए। ठीक, जम्मी ने मैनू अभी अभी उठाया है, तो अब जाओ दुकान पर। तो जाते हैं दुकान पर, दूध भी ले आएंगे और सर्फ और बर्तन वाले सूबी और बर्तन वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन और यहाँ पे हल्दी, ये ले आओ। तो अब कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके ना फिर आपको दिखाते हैं। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, किसी ला नहीं है सर, सुला दे तो बीमार है, अल्लाह ताला शिफा दे। तो चलते हैं। ये देखें जी, दूध और हल्दी और कपड़े धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, सर्फ और सुबी। तो सुबी नाला, तो आपको खेल कैसी लगती है? तो मैं हर व्लॉग में और खेलता रहता हूँ। तो असली अभी अभी चूल लेके सामान लेके जा रहा हूँ, तो अम्मी को देते हैं। तो अम्मी रोटी बना ली है, फिर नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करके ना फिर फ्री होंगे, तो फिर इंशाल्लाह नहाएंगे, नोएंगे, कपड़े चेंज करवाएंगे। तो कपड़े चेंज करवा दो फिर तो आपको दिखाते हैं। ठीक हो गया, आप चलो। देखिए जी, अम्मी अब रोटी बना लिया है। हाँ, रोटी जो है सारी मैंने बना ली है। तो अभी जो है इसको अंदर रखते हैं, तो फिर जो है झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगा के तो फिर नाश्ता करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं पहले झाड़ू लगा लूँ सहन पे, तो फिर खाना खाएंगे। अभी हाली ढोलू भी नहीं है। हाँ, ढोलू भी आ गया। ढोलू पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तो अभी मैंने जो है रोटी बना के अंदर रख दी है। तो ये देखें, ये सरफ आपके भैया ले आए हैं और साथ में ये कपड़े वगैरह बहुत सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। तो अभी जो है इस तगारी में इसको ना भिगो लेते हैं। ठीक है, तो फिर जो है झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगा के तो इन कपड़ों को धोएंगे। ठीक है, ठीक है।
ये देखिए जी अम्मी, ये तो अभी जो है मैं नलका चला रही हूँ पानी भरने के लिए, तो पानी भर के और कपड़े जो है ये भिगो लेंगे। ठीक है। तो फिर जो है थोड़ी देर इसको रख देंगे। ठीक है। जब इसकी वो मैल वगैरह उकल जाएगी फिर इसको ब्रश वगैरह मार के धो लेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन थी नहीं, तो वो जो थी वो आपकी खाला की थी, वो कल जो है उठा के अपने घर में ले गए हैं, तो अल्लाह पाक हमें भी देगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द हम भी ले आएंगे। अभी जो है हम हाथों में धो रहे हैं। ठीक है। मम्मी अब झाड़ू लगा रही है। हाँ, कपड़े जो है मैं तंघारी में भिगो दिए हैं। ठीक। तो अभी झाड़ू लगा लूँ, लाइट खड़ी है, फिर पानी लगाएंगे। ठीक है। तो फिर जो है ना कपड़े धोएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। ये देखें जी, ये रोटी आ चुकी है, तुम्हें खाना है तो खा सकता है, मैं खा रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये सब्ज़ी ले ली है, तो आप चलते हैं घर। तो सब्ज़ी कह रहा था तो आप 10 रुपये दो, तो मैं 10 रुपये लेने जा रहा हूँ, तो अम्मी को पूछते हैं 10 रुपये रहेगी, 10 रुपये, तो फिर दे के फिर वापसी आ जाऊँगा। तो ये सावितुरी है, सावितुरी। ये जी सब्ज़ी ले के तो खड़ा दिया है, तो अम्मी गई है कितनी काम पे, तो जैसे भी आती है फिर डार पे लेंगे, फिर सब्ज़ी वाले को दे आएंगे। ये जी सब्ज़ी वाला चला गया है, तो मैं जैसे बाहर निकला तो सब्ज़ी वाला चला गया था, तो डार पे नहीं देगी इंशाल्लाह, कल आएगा तो फिर लुटा देंगे। तो अम्मी को पूछेंगे सब्ज़ी वाला भाग गया है, चला गया, तो चलो ठीक है कल दे देंगे इंशाल्लाह। ये जी अम्मी डो रही है कपड़े। हाँ जी, मैं जो है अभी कपड़े धो रही हूँ, सुबह जो है इसको ना इस तगारी में भिगो के रख दिया था। देखेंगे। तो अभी जो है सब काम वगैरह जो है हमने रेडी कर दिया है, अभी ये कपड़े धोने थे, तो धूप भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अभी मैं जल्दी से ये कपड़े धो लूँ। हाँ जी। तो आप ऐसा करें ना, जाओ अपने पापा के पास। हाँ जी। वहाँ उसको बोलो कि मेहरान की तबीयत जो है उसको चेक कर लें। हाँ जी। सुबह 104 पे बुखार था। हाँ जी। तो मैं उसको दवाई जो है वो दे दी थी। हाँ जी। तो मज़ीद उसकी तबीयत चेक कर लें, और स्टोर से दवाई लेनी है तो फिर जाके आप लें। ठीक है जी। जब तक मैं भी ये कपड़े धो लूँ। हाँ जी। नंबरदार। हाँ जी। यार नाश्ता ले आओ। हाँ जी। नाश्ता कर लें टाइम से। ठीक है जी। फिर वो शहर, हाँ फिर जाना है इस्लामाबाद। हाँ जी। बल्कि वो काड़े जाना है, राव साहब के पास, और पास से जाना है वहाँ पे आईजी पंजाब से। हाँ जी। मिलना है, इसके खिलाफ जो है एक्शन करवाना है। हाँ जी। तो तमाम बहन भाई जो है हमारा साथ दें, क्योंकि हम हक पर हैं और वो गलत जो है अलगाबाद साथ करती है। तो हमने तो कभी अपने चैनल पर उसका ना चैनल का नाम लिया है, ना उसका नाम लिया है, ना कभी गालियाँ निकाली हैं। उसने तो सारे हमारे नाम से पुकार पुकार के जो है गालियाँ निकाली हैं, हमारे नाम मेंशन किए हैं, चैनलों के नाम मेंशन किए हैं, हमारे नाम मेंशन किए हैं, हमारी फैमिली को, पूरी फैमिली को टारगेट किया है, मेरी वाइफ को भी टारगेट किया है, बहुत से गंदे अलकाब उसने बोले हैं। तो उसके खिलाफ कार्रवाई, नाश्ता करवाएं, फिर जल्दी तैयारी करके मैं निकलता हूँ। ठीक है। ये जी रोटी लेके जा रहा हूँ अब्बू के पास, तो रोटी भी है, दूध भी है, तो ये ले जी अब्बू जी। थैंक यू नंबरदार, बहुत मेहरबानी। अब पानी, अच्छा ये देखें पानी उठा लिया, तो ये ले जी अब्बू जी, पानी आ चुका है, और नाश्ता करें।